हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर NIT कैलिकट द्वारा जो वैकेंसी यहां पर इन्वाइट की गई है वो है आपके वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन 20/7/2020 से 5/8/2020 तक। अब यहाँ पर फ्रेंड जो ये फॉर्म है ये फिल करने के बाद आपको सेंड भी करना होगा, और आपको 21/8/2020 तक ये सेंड करना है। इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, jobrasta.com का आपको लिंक मिलेगा, या फिर फ्रेंड्स आप और भी अन्य जो भी अदर्स नोटिफिकेशन निकली हुई हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं jobrasta.com के लिंक पर जाकर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, एलबीटी कंडीशंस क्या रहेंगी, क्या आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर ही फ्रेंड्स आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, पोस्ट डिटेल मिल जाएंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर का है, एक लॉगिन का है। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद ही आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, वो बेसिक जानकारी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आप एंटर यहां पर करेंगे आपका मेल आईडी, तो ये बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। आपका पासवर्ड आप यहां टाइप करेंगे, तो मेल आईडी का पासवर्ड आपको टाइप नहीं करना है, आपको टाइप करना है पासवर्ड यहां पर जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं। तो यहां पर कोई भी फर्दर यहां पर इंस्ट्रक्शंस नहीं है पासवर्ड की, तो आप कैसे भी पासवर्ड यहां जनरेट कर लीजिए। इस पासवर्ड को आप यहां पर कंफर्म कीजिए और यहां पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालकर आप इसको रजिस्टर यहां से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए सेम आपकी जो मेल आईडी है और जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है और साथ में जो आपने पासवर्ड जनरेट किया होगा ये पासवर्ड आप यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो ये ऑप्शन है वो देखने को आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन जॉब्स का और डाउनलोड एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इस फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर्स का आपको यूज करना है। तो आपका जो भी नाम है, जो भी आप लिखते हैं अपने नाम के आगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फादर या हस्बैंड नेम जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आपकी कास्ट कौन सी है, तो आप यहाँ पर अपनी कास्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर कास्ट क्या है वो कास्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करनी है, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल, OBC, SC या ST आपको दी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रिलीजन का ऑप्शन भी है, आपको जो आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है आप नो करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके OBC, SC, ST, EWS की जो कॉपी है वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करके उसकी जो कॉपी है वो भी आप सेंड करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप PWD कैंडिडेट हैं या फिर आपका जो कास्ट है वो SC या ST है, तो आपके जो भी रिलेवेंट डिटेल्स आप फिल करेंगे उससे रिलेवेंट डिटेल्स को भी आप सेंड करेंगे और यहाँ पर फिल भी करेंगे। आपके पास NITC का एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है आप इसमें नो करेंगे। नीचे आपका है एड्रेस सेक्शन, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। आपको एड्रेस लाइन 3 मिल जाती है। इसके बाद यहां पर है फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका स्टेट ऑप्शन है, आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे, और आपका जो पिन कोड है वो आप यहां मेंशन कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह आपको 12th क्लास की, आपके डिप्लोमा की, ग्रेजुएशन की, ITI की जो भी डिटेल्स आपके पास यहां अवेलेबल है वो आप यहां पर एंटर करके इसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करने के बाद नीचे आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है, आप देना चाहते हैं, उस पोस्ट में मांगा है, तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कब से कब तक आपने काम किया है, डेजिग्नेशन क्या थी मतलब आपके पोस्ट का नाम क्या था, और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, तो आपको शॉर्ट में लिखनी है आपकी डिटेल्स को। सैलरी आपने कितनी ली है, आपने इस काम को क्यों छोड़ा है, और ईयर ऑफ
एक्सपीरियंस आपका टोटल कितना है वो आपको मेंशन करना है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर ऐड करते हुए कर सकते हो, जितना भी आप एक्सपीरियंस शो करेंगे वो ऑटोमेटिक टोटल होकर यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ही फ्रेंड्स इन डिटेल को फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड नेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका एक्टिवेट होगा जो कि है डेजिग्नेशन का, तो आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आपको देखिए यहाँ पर जो भी आपके टेक्निकल स्टाफ हो गया, आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या ऑपरेटर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, वो सभी वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इसके लिए आप इसकी जो नोटिफिकेशन सेक्शन है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपको ये अवेलेबल है इन जानकारी को आप ध्यान से पढ़ लें, ये पढ़ना जरूरी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, उसी पोस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, वो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे जो डिटेल्स हैं वो आपको मांगा जाएगा। जैसे मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं मांगा है उसमें एक्सपीरियंस तो फिर आपको यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वालिफिकेशन का सेक्शन है ये आपके क्या है नोटिफिकेशन में, तो वो फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को खोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर खोला टेक्निकल असिस्टेंट CCC, तो यहाँ पर आपसे डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है, पर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं है मान लीजिए आपके पास ये एक्सपीरियंस डिजायरेबल कंडीशन में, तो फ्रेंड्स तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर दूसरी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप करना चाहें, और फ्रेंड्स आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म में। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पोस्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए, रिमूव कीजिए अपनी LGT के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ही आप यहाँ से इसको नेस्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इसको नेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड, और आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें जो आपका ये फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप होम बटन पर जाएंगे और होम बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो मल्टीपल अगर अप्लाई करना चाहें तो दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन जॉब पर जाकर मल्टीपल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे हम इस पर गए तो हमको यहाँ पर इसको डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा, और आप चाहें तो दोबारा से यहाँ पर कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करके अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको प्रिंट निकलवाना है PDF फॉर्मेट में, आपको ये दिया गया है, आप किसी भी शॉप पर जाकर इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स इसको सेंड करना है दिए गए एड्रेस पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि आपको नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है, पोस्ट अप्लाई करनी है। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी जो भी साइन कॉपी है, जो भी प्रिंटआउट है, उस पर आपको साइन करना है। आपको एक नीचे पेज पर एक साइन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको साइन करना है, और आपको यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके प्रूफ ऑफ एजुकेशन हो गया, आपका DOB सर्टिफिकेट हो गया, जैसे 10th 12th ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करके आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पर। अब यहाँ पर एड्रेस पर सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2020 रहेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा 21 अगस्त 2020 से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करके सेंड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका दिया गया है, चाहे एज का हो, चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो या एक्सपीरियंस का हो, वो सभी फ्रेंड्स 1 अगस्त 2020 को ही काउंट होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जानकारी मैंने आपको पहले से ही अवेलेबल करा दी है jobrasta.com के लिंक पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jobrasta.com का। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो भी डिटेल बताई है वो आप चेक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर किसी दूसरी वैकेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो jobrasta.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी आपके लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म्स निकले हुए हैं उनकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, इनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हमने बात की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसके फॉर्म फिलअप के बारे में, क्या क्या डिटेल्स आपको सेंड करनी है इसके बारे में, तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।